गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। करेंगे स्टार्ट। संडे को भी तकलीफ दे दिया आप लोगों को। ओके, डेली तो क्लास चलती ही है एक क्लास के लिए। चलो कोई नहीं बेटा, इस वीक की बात और है, एक वीकेंड और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, हम वीकडेज पे रखेंगे क्लासेस को, और जो संडे रहेगा आपका उसमें कम्प्लीटली आपको फ्रीडम है, पूरा आप लोग आराम कीजिए। ओके ठीक है, तो कर लेते हैं सर। बेटा आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब है यहाँ पे, दो तीन स्टूडेंट मिसिंग है। एक दो मिनट वेट, डिस्कशन थोड़ा सा पहले, और फिर कर लेते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। ठीक है, यस। तो आई कैन सी सार्थक, आकाश, अमन, ध्रुव, कृतिका, राधा, रितु, रितिका, सौरव, सृष्टि। ओके, तो सब स्टूडेंट है हमारे। ओके ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ, थ्योरी ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से जो हमारे रह गए थे 10-12 एमसीक्यूज। ठीक है, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे जो है हमारा कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट स्टार्ट कर लेंगे, और उसमें एक अप्रोच हमारा चलेगा आज, कार्डिनल अप्रोच होता है। ठीक है, समझेंगे वो सारे अप्रोच जो है, और कोशिश करेंगे एक अप्रोच खत्म हो जाए आज, या ऑलमोस्ट डन, ताकि एक से दो टॉपिक जो रह जाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी जिन लोगों ने भी इको पढ़ा है 11th 12th में, सब कुछ वही है। ठीक है, आपका सब कुछ वही चलेगा, जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है सारे वही कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने न्यू है एकदम इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर थ्योरी है ना, कंज्यूमर थ्योरी आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। अगर मैं पूरा डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर को मिला के यूनिट की बात करूं, तब की सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना कंज्यूमर वाले से पूछे जाएंगे। उसमें कॉन्सेप्ट्स जो ध्यान रखने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत सारे हैं, एक बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं कंज्यूमर थ्योरी पे, अगर हम डिटेल में जाएं तो। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर थ्योरी को ना बहुत ही अच्छे से समझना कहीं कहीं पे थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि माइंड एकदम लगा के रखना अपने कॉन्सेप्ट्स में। ओके, कुछ कुछ चीजें सिंपल होती हैं, कुछ कुछ चीजें टिपिकल होती हैं इसमें समझना, और एमसीक्यूज तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसको ही आपका लाइक 35-40% का आपको वेटेज दे रखा है। एक 60 मार्क्स का ये है बिजनेस इको पार्ट वन, तो इसमें से 35% आपका यही यूनिट लेके जा रहा है, डिमांड, कंज्यूमर और सप्लाई। ठीक है, तो करेंगे स्टार्ट एक बार, जिनको आना था ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज वो प्रेजेंट कर लेता हूँ, आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे उसके ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे बस 10-15 मिनट डिस्कशन और अपना फिर न्यू यूनिट स्टार्ट। ओके करते हैं स्टार्ट बेटा। यस, तो हमारा दो पेजेस अभी रह गए थे, हमें यहां से स्टार्ट करना है। लास्ट हमने 18 से कर लिया था, 19 से हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल रह गया, आपको इतने टिपिकल नहीं है जिसमें आपको इतना ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बस बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है ये, तो चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये कर लिया होगा वैसे एमसीक्यू स्टिक, तो लेट्स स्टार्ट विद द 19th वन। तो आप लोग अपने रिस्पांस देना स्टार्ट कर दो, क्या लगता है आपको 19th में? तो मेजॉरिटी जो चल रही है वो अभी तक दो रिस्पांस मिले हैं, और वो एकदम है, साथ है एकदम। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे 19th का। मुझे ऑप्शन बताइए क्या है, व्हाट डू यू थिंक? तो ओजस्विनी और राधा का रिस्पॉन्स आ चुका है 19th में, क्या लगता है आपको? इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है प्रोडक्ट का? इंक्रीज इन सप्लाई हम कब बोलेंगे? ये जो रीजंस नीचे दे रखे हैं, क्या ये एक पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, या तीनों को मिला के इंक्रीज ही कहलाता है सप्लाई में? अगर हम देखें तो बेसिकली इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पे? तो सृष्टि का अभी तक करेक्ट है। ओके, बाकी जो है अभी तीन रिस्पॉन्सेज ऊपर आए हैं वो गलत हैं, तो अब स्टार्ट हुआ है सही रिस्पॉन्स आना।
ठीक है, करेक्ट ऋतु, करेक्ट ऋतिका, वेरी गुड ऋतिका। ध्रुव ध्यान दो, वो ऑप्शन नहीं है। अमन आप भी ध्यान दो, वो ऑप्शन नहीं है। एक बार ठीक से पढ़ो, अपने शिफ्ट इन सप्लाई पे जाओ, रीजंस देखो, इंक्रीज इन सप्लाई में क्या क्या था, मैंने तो क्लियरली लिखवाया था। अपने रीजंस में जाके देखो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, क्लियरली मैंने वहां पे आपको लिखवाया था कि क्या क्या रीजन होते हैं। ठीक है ओजस्विनी, अब आपका पहले जो ऑप्शन था वो गलत था। राधा आप भी ठीक करो बेटा, एक बार देखो, वो ऑप्शन नहीं था। नहीं अभी भी गलत हो राधा, आप खुद देखो, ये सारे जितने भी रीजन है वो अदर फैक्टर्स है। ठीक है, अदर फैक्टर्स हैं तो शिफ्ट ही होगा, और शिफ्ट मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, राइट? तो हैं तो सारे अदर फैक्टर्स, दैट वी नो, पर लेकिन क्या ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं सप्लाई में, क्या ये सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, वो देखना है। तो पहला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए तो है, अब बी को देखते हैं। ठीक है, फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर आप दूसरी कमोडिटी के प्राइसेस कम कर दो, तो नॉर्मल सी बात है, जो आप अपनी कमोडिटी बेचना चाहते हो उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे, तो आपकी अपनी जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके प्राइसेस हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज इन सप्लाई लेके आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखें तो फॉल इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से आउटपुट बनता है। ठीक है, तो अगर हम इनपुट के ही कॉस्ट को कम कर देंगे, तो नॉर्मल सी बात है जो आउटपुट बन के तैयार होगा वो भी चीपर होगा, महंगा नहीं होगा। ठीक है, महंगा नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा सेलिंग प्राइस में से, और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही तो अर्न करना है ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये तीनों रीजन जो है ना वो इंक्रीज इन सप्लाई लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये अदर फैक्टर है, और ऊपर से ये ऐसे हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है हमारी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 5-6 स्टूडेंट्स थे जिनका आंसर डी ऑप्शन था, विच इज करेक्ट। अमन आप अभी भी ए बोल रहे हो, पहले आप बी बोल रहे थे। ध्रुव ए बोल रहे थे आप पहले, अब आप इस बात को समझो कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इन सब में आपका सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे तो आप अपने उस टॉपिक को देखो जिसमें आपने लिखा हुआ है रीजंस बिहाइंड राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, 20th का जो है आपको एक डायग्राम दे दिया है, और डायग्राम पे बेसिस पे आपको ये तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए और पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये जो मूवमेंट है S0 से S1, उसको हम क्या बोलेंगे। वेरी गुड, करेक्ट ओजस्विनी, करेक्ट रितिका। और बताएं क्या होगा, S0 जो सप्लाई कर रहे, अगर मैं S1 पे पहुंच जाऊं तो हम इसको क्या बोलेंगे। ध्यान से बेटा, सौरभ वो गलत ऑप्शन है, ऋतु ठीक है आपका। ध्यान से देखो, तुम पीछे जा रहे हो, पहले तुम S0 पे हो, अब तुम S1 पे जा रहे हो। ठीक है, एरो को भी देखो, नॉर्मल सी बात है तुम्हारी क्वांटिटी जो क्या होगी S0 से S1 पे जाने पे। अमन ठीक है, सृष्टि ठीक है बेटा, ध्रुव बताएं, आकाश, महक, आज है क्या महक क्लास में? सार्थक रिस्पॉन्ड करो बेटा, ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी स्वयं पढ़ा हुआ है ये सब। तो तुम तो पुराने स्टूडेंट्स हो यार, जो रेगुलर रहते हो, जो रेगुलर हैं वो तो रिस्पॉन्ड करें और सही करें एकदम, गलत के चांसेस नहीं होने चाहिए। खुद देखो, एक तो तुम नए सप्लाई कर्व पे जा रहे हो, S0 जो है वो ओरिजिनल है, अब तुम S1 पे जा रहे हो, तो नया सप्लाई कर्व है, तो सबसे पहली बात ये शिफ्ट है। अब अगर शिफ्ट है तो होगा तो या तो इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो हम मूवमेंट में लगाते हैं, शिफ्ट में थोड़ी ना लगाते हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो भाई पहले तुम S0 पे थे, अब तुम और पीछे जा रहे हो, अगर तुम और पीछे जा रहे हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हो, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का तो मतलब ही होता है डिक्रीज इन सप्लाई, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन सप्लाई, सी इज द करेक्ट आंसर। तो हाँ, अब आप लोगों को क्लियर हुआ इस चीज का, दैट ये पीछे जा रहा है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। सेकंड का देखो, अब सेकंड इसका उल्टा हो जाएगा, चलो बताओ सेकंड।
मूवमेंट फ्रॉम S0 to S2। नहीं कृतिका, आप जो बता रहे हो ना उसकी वजह से मूवमेंट होता है बेटा। आप लोग इस बात को क्यों अभी भी गलत बोल रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी S0 से S2 पे जाना मतलब शिफ्ट कहलाता है। शिफ्ट तो कभी भी अपने कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से होता ही नहीं है। आप नए सप्लाई कर्व पे जा रहे हो तो शिफ्ट है, और शिफ्ट जो होता है वो अदर फैक्टर्स के चेंजेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को डिलीट करो, बचा और ए को भी डिलीट करो, क्योंकि वो गिवन प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से शिफ्ट हो ही नहीं सकता। बचा बी और डी, बी और सी। तो कुछ लोगों ने बी बोला है एंड कुछ लोगों ने सी बोला है। रितिका ठीक है, मुझे एक ही आंसर, ध्रुव का भी सही है। रितिका ठीक है, अब आपका। रितिका, ध्रुव, कृतिका सही है, सौरभ सही है आंसर। नहीं स्वयं, वो ऑप्शन नहीं है। अभी तो बताया है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट के प्राइसेस बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। बी ऑप्शन नहीं है, जो लोग बी बोल रहे हैं वो नहीं है। राधा सही है आपका। भाई तुम खुद सोचो ना, इनपुट के प्राइसेस बढ़े तो, इनपुट के प्राइसेस बढ़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा तो सप्लाई भी ज्यादा करोगे, नॉर्मल सी बात है। लिंक अपना मत तोड़ो कि इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाला, इसने प्रॉफिट पे इफेक्ट डाला, प्रॉफिट पे इफेक्ट डालने की वजह से सप्लाई पे ये इफेक्ट आया। लिंक को मत तोड़ो, जैसे मैंने लिखवाया था उसको ध्यान रखो, ठीक है? तो दोज हु आर सेइंग सी, अब तो सबको समझ में आ गया कि सी क्यों है, बिकॉज राइट वर्ड शिफ्ट लेके आ रहा है वो, ठीक है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डिस्कस थर्ड वन, इंक्रीज। यार अब इसको ठीक बोलना, देखो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए तो तुम खुद सोचो, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो क्या होगा? हाँ ओके, चलो फाइनली। अमन अभी भी गलत बोल रहे हो। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा S0 से S2 कैसे हो जाएगा? ऋतिका अपवर्ड मूवमेंट तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आपका ये चेंज इन प्राइस नहीं है। ओके, वो बोल रहा है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बेटा आपका, हम अदर फैक्टर्स में देखते थे। बताएंगे सब? राधा तो कह रही है डी, कोई चेंज ही नहीं होगा। और अभी तक मतलब हम इतना डिस्कशन कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है घट रही है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, और सप्लाई भी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है? मेजोरिटी इज विद द ऑप्शन ए, विच इज करेक्ट, नॉर्मल सी बात है। S0 से S1 ही तो जाएंगे पीछे की ओर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि तो तुम जो प्राइस पे बेचोगे ना उसका मैक्सिमम पार्ट कॉस्ट कवर कर रहा है। सपोज करो तुम 15 रुपीज प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है? 15 रुपए पे जब तुम्हारी कॉस्ट थी 10 रुपए, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 5 रुपए। अब मान लो तुमने 10 से 12 कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब तुम पहले तुम्हारी 10 रुपए लागत आ रही थी, अब तुम्हें 12 रुपए लागत आ रही है, प्राइस 15 है, ठीक है? पर प्रॉफिट मार्जिन तो अब तुम्हें कम बचेगा ना, पहले 10 रुपए लागत आ रही थी तो मेरा जो दाम था 15 रुपए, 15 में से 10 गए 5, 5 मेरा हुआ प्रॉफिट। अब 12 रुपए की लागत आ रही है और 15 रुपए का अगर प्राइस है तो प्रॉफिट तो मेरा 13 रुपए, 3 रुपए का ही बचा है ना, तो प्रॉफिट कम हो गया, पहले 5 था अब 3 हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये मूवमेंट जो शिफ्ट लेके आएगा, तो इसने ना शिफ्ट लिखना चाहिए था। पर चलो अगर वो मूवमेंट भी लिख रहा है तो जाएंगे तो हम S0 से S1 पे ही, S0 से S2 पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पे जाना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम लोगों ने ए बोला है, ए सही है।
आगे बात करते हैं 21। चलिए निकाल, अच्छा 21 का आंसर मुझे आने लगा है जो कि सही है। वेरी गुड, वो तो तुम लोग सही निकाले। तो मुझे लगता था तुम लोग न्यूमेरिकल में बड़े अच्छे हो, थ्योरेटिकल पढ़ना किसी को सही नहीं लगता, बस न्यूमेरिकल करना ही अच्छा लगता है। अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हो ना, इसलिए जनको अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो इसको बहुत कम ही वो करते हैं प्रेफर, जो न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व। और हो सारे एकदम वो यूपी स्टूडेंट्स, तो भाई यूपी स्टूडेंट्स तो माहिर होते हैं मैथ्स अकाउंट्स। ओके, सबका ही सही आया, यहाँ तो मुझे कोई मिक्स रिस्पांस मिला ही नहीं है या कोई अलग ऑप्शन, सब बोल रहे हैं बी, और बी ही है। और कितनी अच्छी बात है, मतलब दो दे रखे ऑप्शन, 1.2 माइनस का और 1.2 प्लस का। आप लोगों ने बोला भी है बी वाला प्लस का, तो आप लोगों को पता है कि भाई हाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है पॉजिटिव रिलेशन होगा, माइनस का साइन तो आएगा ही नहीं। और वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है 60/50 करके, ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट बी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक मिनट, ट्वेंटी टू, 22 का बता रहे हो सर? नहीं मुझे देखना पड़ेगा इसका एक बार। चलो वैसे सबका रिस्पॉन्स सेम आ रहा है 22 में। ओके, तो डिमांड का सप्लाई का फंक्शन दे रखा है और प्राइस दे रखा है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। सप्लाई इज इक्वल्स टू 6px+3, तो एक px वेरिएबल का हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, प्राइस वो 5 है, तो 6 5 30 एंड 30 + 3 is 33। वेरी गुड, सबका सही रिस्पॉन्स है, 33 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसा ही 23rd का बताइए, एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है सबकी तरफ से, तो यही होगा। फर्म इज विलिंग टू सप्लाई 27 pieces इन द मार्केट, दैट मीन्स 27 मेरे को क्वांटिटी दे रखी है, SX की जगह मैं 27 पुट करूंगा, तो इट विल बी 20। फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, ठीक है प्राइस निकालना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 25 6p, ठीक है हाँ, 24 हो जाएगा एंड 6 4 = 24, करेक्ट 4, सबका सही है। आते हैं 24th पे, 24th बताओ, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ सबका। अरे वाह सही है, सब सही बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल का तो एक भी क्वेश्चन समझाना नहीं पड़ रहा मुझे, सब सही बता रहे हैं। वेरी गुड, वही ऑप्शन है, सी वाला ही है। सप्लाई का इक्वेशन दे रखा है, प्राइस नहीं दे रखा, बट मुझे मार्केट नंबर ऑफ फर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई तुम क्या करो, तुम ना प्राइस भी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, प्राइस इज 4, तो पहले तो तुम क्वांटिटी निकाल लो सप्लाई की क्वांटिटी, तो वो आएगी तुम्हारी, अगर प्राइस 4 है तो 6 4 = 24, 24 + 3 is 27, 27 इज द क्वांटिटी सप्लाई। अब हमें पूछा है कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स 1000 है मार्केट में और एक जो है वो 27 यूनिट्स को बेच रहा है, तो 1000 फर्म्स कितने बेचेंगे, 27 × 1000, यही तो करते हैं हम 27000। तो लॉजिक भी आप लोगों ने सही लगाया है ना, पहले आप लोगों ने क्वांटिटी निकाली, और अगर एक फर्म की क्वांटिटी 27 है तो 1000 फर्म्स इज 27000। वेरी गुड, कम टू द 25th, भाई 25th का बताओ, ये जो सही बताएगा, मैं समझ लूँगा उसको कॉन्सेप्ट बस एकदम अच्छे से, मुझे पता था तुम लोग गलत ही रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करोगे। ध्यान से, हाँ सब सब एक लाइन में एकदम वही आंसर बोल रहे हैं, सबका वही रिस्पॉन्स आ रहा है, यस हाँ डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बोल रहा है। ऑल ऑफ दीज मतलब ए वाला डायग्राम भी होगा, बी वाला डायग्राम भी होगा, या सी वाला भी डायग्राम भी होगा, तीनों होगा, या फिर तीनों में से कोई एक होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या
तीनों सही है या मतलब तीन डायग्राम में से कोई एक सही है? तुम सब रिस्पॉन्ड कर रहे हो एक ही ऑप्शन सब बोल रहे हैं और सबको पता है अब क्या है। अमन का ठीक आया अभी तक बेटा। इसमें ना डी ऑप्शन इज करेक्ट। खुद सोचो, तुम्हारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है डायग्राम, तुमने वो देख लिया बी वाला कि थोड़ा फ्लैटर है, सी वाला थोड़ा स्टीपर है, ऊपर की ओर जा रहा है, पर ये भी तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें साफ साफ लिखवाया था ना, ओरिजिन से जो स्टार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। स्ट्रेट लाइन तो सब में होते हैं, पर मेन बात नोट करने वाली क्या थी कि ये किस एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तुम्हारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। 25th का ए नहीं, 25th का डी होगा, क्योंकि तीनों पे इलास्टिसिटी जो है ना वो यूनिटरी ही है, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। डजेंट मैटर उसका शेप क्या बन रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका वन ही होगा। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता और स्ट्रेट लाइन होता तो वो स्टीपर होता, अगर वो वाई एक्सिस से टच होके थोड़ा सा इधर की ओर आता तो वो फ्लैटर होता। ठीक है, आप नोट करो कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप लोगों को समझ में आया, दो तीन लोगों का सही आया है रिस्पॉन्स थोड़ा सा डायरेक्शन देने पे, अदरवाइज तुम सब लोग ए पे ही जा रहे थे। ए तो है ही है, बी और सी भी तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, डायग्राम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। यस, 26th। अच्छा, सब लोग का आना स्टार्ट हो चुका है। अमन नहीं, वो ऑप्शन नहीं है बेटा। तुम शिफ्ट क्यों बोल रहे हो अमन? एक्सपेंशन इन सप्लाई हम कब यूज करते हैं? मेजोरिटी इज विद द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड मैक, वेरी गुड सार्थक। ऊपर भी जिन्होंने, अब ठीक है अमन, ऊपर भी जिसका रिस्पॉन्ड ए ए था ना, वो सबका सही है। दिस इज ए, इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्सपेंशन इन सप्लाई हो रहा है। एक्सपेंशन कब होता है? जब हमारे खुद के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो बेटा सी और डी को तो काट दो, क्योंकि उसमें तो शिफ्ट हो रहा है, सबसे पहली बात ये है। और शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज यूज होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं। जो बी वाला है उसमें नीचे की ओर जा रहे हैं, सप्लाई और कम हो रही है, तो वो एक्सपेंशन नहीं कहला सकता, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। बचा ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट, और साफ साफ दिख रहा है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। चलो 27th का बताओ एक बार, मैं इसका ऑप्शन जरा सामने रख दूं। क्लियर? यस, 27th। द गिवन केस इज अ केस ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है। बताएं, रिस्पॉन्ड करें। तीन चार लोगों ने इसका सही आंसर दिया, आगे बढ़ो। अमन ठीक है, सब बताएं भाई, अभी बताया है ये किस एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ओजस्विनी ने बस अपना काम खत्म किया, ये लो दो ऑप्शन, दो बचे हुए हैं, इसका पकड़ो और यहाँ पे खत्म। चलो देखेंगे उसका, बट यहाँ पे अगर जैसे आप 27th का बी बोल रहे हो ना, तो बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक तो शेप फ्लैटर है और ऊपर से वाई एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैंने कर्व आपको बना के दिखाई दिया था हाईली इलास्टिक का, है ना, तो आप लोग पहचान गए फिर उससे। चलिए 28th बताइए। देखते हो जसविनी आपने जो रिस्पॉन्ड किया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है आपका, आपने जो 28th का ऑप्शन बोला है ठीक है। अमन ठीक नहीं है, महक ठीक है आपका ऑप्शन। अमन ध्यान से सोचिए बेटा, हर एक ऑप्शन का कॉन्सिक्वेंसेस देखो। नहीं रितिका, वो ऑप्शन नहीं है बेटा। एक तो सबसे पहले डायग्राम ऑब्जर्व करो, आप ना शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ना। पहले आप एस एस पे थे, अब आप S1 S1 पे आ गए, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब आपको पता है कि इंक्रीज इन सप्लाई होता है। अब इंक्रीज इन सप्लाई अगर होता है, तो अब आप जाओ इन ऑप्शंस पे, क्या ये रीजन फिट बैठ रहा है इंक्रीज इन सप्लाई पे? तो जैसे पहला उठाएंगे डिक्रीज इन टैक्सेस। खुद सोचो, जब तुम टैक्सेस कम लगाओगे तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस में जो पोर्शन प्रॉफिट का बचेगा
वो ज्यादा होगा, अगर हम टैक्सेस कम लगाएंगे तो, है ना, ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन बच जाएगा, तो अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा तो सप्लाई बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये रीजन है। दूसरे पे जाओ, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको तो बताया ही यही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करो या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना, तो वो भी तुम्हारा कॉस्ट कम कर देगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा तो सप्लाई बढ़ा दोगे, है ना। फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट भी होगा, जितना कम प्राइस होगा इनपुट का, आउटपुट भी सस्ता बन के तैयार होगा। अगर आउटपुट भी सस्ता बन के तैयार होगा तो जितने पे वो बिकेगा उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचेगा, तो उस पे भी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले सब कुछ ए बोल रहे थे, कुछ बी बोल रहे थे, कुछ सी बोल रहे थे, कुछ ने डी भी बोला है, तो सही है, अब सबका डी आ गया, क्योंकि एक बार डायरेक्शन दे दिया तो बस सब सही बोल रहे हैं। खुद से भी सोच लिया करो, खुद से भी सही बोला करो एक बार। तुम लोग ध्यान से कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पढ़ते हो अपने एमसीक्यूज के। लास्ट वाला एक बार देख लें, 29th का, महक ने जो बताया है, मेजोरिटी एक ही ऑप्शन के साथ चल रही है, तो मैं मेरे ख्याल से फिर ठीक ही होगा, ये ठीक भी है, ठीक है, सबका ठीक है, अभी तक एक भी अलग रिस्पॉन्ड नहीं आया है मेरे को, सबका ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेकार यूज कर रहे हैं, तो बेकार यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है, जो टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर है ना, वो अदर फैक्टर है, वो शिफ्ट लेके आएगा, और तुमने टेक्नोलॉजी बेकार यूज करी है तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, और कम हो जाएगी सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो हमारा दिखा रहा है एस एस से S1, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबका ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ा ना, मॉडरेट लेवल का, ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता, इसमें कुछ इससे ज्यादा है भी नहीं, तो तुम्हें इससे ज्यादा टिपिकल क्या ही करेंगे, या तो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन दे देंगे या इसमें ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करो और बेटा जितना हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यूज खत्म है, अब सीधा आते हैं हमारा कंज्यूमर थ्योरी पे, ठीक है, करेंगे स्टार्ट। न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं अपना कंज्यूमर थ्योरी का, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं, बस बेटा थोड़ा सा टाइम देख कर ये ठीक कर लूँ मैं सेटिंग्स इसके। ओके, स्टार्ट करेंगे अब। फाइन, हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमने चैप्टर 2 के यूनिट 1 और यूनिट 3 कंप्लीट किया है। डिमांड था आपका यूनिट 1 चैप्टर 2 का, और सप्लाई था आपका यूनिट 3। हमने यूनिट 2 छोड़ा था जो कंज्यूमर था,
ठीक है, तो अब हम यूनिट टू कर रहे हैं, यूनिट टू ऑफ चैप्टर टू। ठीक है, एक मिनट। तो यूनिट टू हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव। ठीक है, एमसीक्यूज इसमें काफी सारे बनते हैं, तो एक बार इसका डिस्कशन हम करते हैं। चलो, यस, कंज्यूमर थ्योरी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि कंज्यूमर होते कौन है। ठीक है, क्योंकि अब हम पूरा कंज्यूमर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो कंज्यूमर बिहेवियर पहले पढ़ना चाहिए, डिमांड भी बाद में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर जब तक पता नहीं चलेगा उसके बाद ही डिमांड का पता चलता है बेसिकली। ठीक है, कि किस तरीके से वो डिमांड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के, और कमोडिटी के बीच में क्या रिलेशन है प्राइस के साथ। ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है, नॉर्मली एक कंज्यूमर कौन होता है? एक कंज्यूमर आपका वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपने नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नॉर्मली हम यही जानते हैं कंज्यूमर के बारे में। लाइक जैसे सपोज करो मैं हूँ एक पर्सन, ठीक है, मैं मार्केट से सामान खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना जीवन चलाना है। ठीक है, मुझे सर्वाइव करना है लाइफ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए खाना पड़ेगा, ठीक है, कपड़े पहनने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, ठीक है, पैसे कमाने पड़ेंगे, कंजम्पशन करना पड़ेगा अगर मुझे सर्वाइव करना है। ठीक है, बाकी चीजें तो बाद की बात है, कंजम्पशन करने के लिए ही पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन पर्पज हमारा क्या है, कंजम्पशन, उसके बिना तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंज्यूमर जब अपना बेसिकली एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जब उसका हाई होता है, ठीक है, तो यही बेसिकली आपका कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बाद में पहुंचेंगे, पर मेन हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे कि एक कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है अपनी इनकम में से और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर होता है। अब इस पूरे यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, पूरे यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि एक कंज्यूमर जब वो बात करता है कि नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसके नीड्स एंड वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे। जब हम बात करते हैं नीड्स एंड वॉन्ट्स को मैक्सिमाइज करने की, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की, कब बोलेंगे कि तुमने कंजम्पशन के, तुम्हें संतुष्टि बहुत ज्यादा मिल रही है, तुम बोल दो ना हाँ भाई इसको खा के बहुत मजा आया, इसको कंज्यूम करके हमें बहुत सेटिस्फाइड है। नॉर्मली लाइफ में हम रियल लाइफ में बोलते ही ऐसा, ठीक है, जब भी कोई मार्केट से सामान ले आते हैं वाह हमें इसका यूज करने से बहुत फायदा मिल रहा है ना, कुछ खाने का सामान लेके आए वाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही मजेदार था, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। तो वही बात है कि किस चीजों पे डिपेंड करता है कि तुम ये बात बोलते हो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, तुम्हारा जो ये परचेज बिहेवियर है जो तुम बोल रहे हो ना कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, अभी हमें इस चीज की जरूरत है तो चलो इसको खरीद के ले आते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो होल्ड करके रख लेते हैं। तो मतलब टोटली मैं तुम्हारा बिहेवियर पढ़ने जा रहा हूँ एक कंज्यूमर का, ठीक है, कि वो मार्केट में बिहेव कैसे करता है एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। ठीक है, और जब वो खरीद लेता है तो जो फीडबैक वो देता है एक प्रोडक्ट के लिए, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो यही हमें टोटल इसमें पढ़ना है, दैट हाउ टू मैक्सिमाइज द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इतनी सी बात है। तो स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कंज्यूमर होता कौन है, क्योंकि आप उसका बिहेवियर पढ़ने जा रहे हो। तो बिहेवियर पढ़ने से पहले ये तो जान लो कि है कौन वो। वो एक कंज्यूमर है, और एक कंज्यूमर कौन होता है, एक कंज्यूमर इज वन Who purchase, a consumer is one who
परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज for satisfying their needs, for satisfying their needs and wants. ठीक है, एक कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है या कंज्यूम करता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, हु परचेज या हु कंज्यूम भी. ठीक है, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स, वो आपका कंज्यूमर होता है. ठीक है, तो हमने देखा कि भाई वो अपनी ना इच्छाओं को, अपनी चाह को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये बनता है कि कितने टाइप्स के वॉन्ट्स हो सकते हैं. नीड्स एंड वॉन्ट्स अगर मैं बात करूं, मेरा देखो जरूरत की बात करें तो आज के टाइम में सब कुछ ही एक जरूरत है. ठीक है, इंसान को लगता है हर चीज एक जरूरत है. बेसिक की तो बात ही बात करें, बेसिक तो है ही है. ठीक है, कि खाना खाना ही पड़ेगा, कपड़े पहनने ही पड़ेंगे. ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए, तो ये तो बेसिक नीड्स है. पर आज के टाइम में हमारे डिजायर्स इतने बढ़ गए हैं ना कि हमें हर एक चीज नीडी लगती है. ठीक है, कि भाई कपड़े पहनना जरूरी है बट पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा होना चाहिए. हम सब कुछ नहीं पहन लेते, हम तो इसी ब्रांड का पहनते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इंसान की जरूरत ही है. ठीक है भाई, मतलब एक तरीके से ट्रैवल तो कैसे भी किया जा सकता है, चाहे अपनी गाड़ी से करो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करो. बट पर्टिकुलरली जब एक पर्सन सोचता है कि नहीं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं नहीं करूंगा, बड़ा धक्के मुक्के हो उसमें, इतना झंझट कौन पाले, अपनी गाड़ी एक रखो आराम से जाओ आओ. ठीक है, तो ये भी एक उसकी नीड है पर रिक्वायर्ड नहीं है. काम चल सकता है बट लेकिन उसको क्या है कि मुझे यही चाहिए तो चाहिए, तो वो उसकी नीड बन जाती है. तो नीड पे हम इतना फोकस ना डाल के ना हम डायरेक्टली जाते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे. ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि चाह है ये तुम्हारी, तुम इसे चाहते हो, तुम्हें ये चाहिए, तो वो कितने टाइप की हो सकती है? तो मेनली वो ना तीन टाइप की होती है बेटा. हम इसी में क्लासिफाई कर लेंगे जो हम नीड्स की बात कर रहे हैं. तीन टाइप के वॉन्ट्स होते हैं नीड्स एंड वॉन्ट्स. अगर मैं बात करूं, सबसे पहला तो आता है आपका बेसिक नेसेसिटीज, जो एक तरीके से है, ये नीड है, इसका तो नाम ही है नेसेसिटीज, तो ये तो जरूरत होगी ही होगी, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, दूसरा होता है आपका कंफर्ट, और तीसरा होता है आपका लग्जरियस, लग्जरीज भी कह सकते हैं उसे. ये होते हैं कंफर्ट गुड्स और ये होते हैं हमारे लग्जरीज गुड्स. हमारे बॉन्ड्स जो है ना गुड्स के रिगार्डिंग, वो कुछ इतने टाइप के हैं. इससे और इसके बीच का जो रास्ता है, सफर है, वो ये बताता है. ठीक है, बेसिक नेसेसिटी कुछ और है, लग्जरियस कुछ और है. ठीक है, पर हाँ तुम्हें चीजें चाहिए ये नहीं हो के ये बन जाती हैं, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट है, तुम इस कंफर्ट में रहना चाहते हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, देखो भूख लगी है, रोटी भी खा लोगे, दाल भी खा लोगे, सब्जी भी खा लोगे, योर हंगर विल बी सेटिस्फाई, तुम संतुष्ट हो जाओगे, भूख मिट जाएगी. ठीक है, तो वो तो बेसिक नेसेसिटीज में भी आ गया, दाल रोटी चावल अगर मैं खा लूँ तो भूख मिट जाएगी. पर तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, भूख लगी है, मेरा टेस्ट कुछ और है, मेरा मन कुछ और कर रहा है, दाल रोटी से नहीं चलेगा. फॉर मी, मेरा भी कुछ यही हाल है, मेरा भी नहीं चलता है. लाइक जब मेरे को भूख लगी रहती है तो मुझे सिंपल चीजें नहीं चलती है, मुझे कुछ चाहिए थोड़ा सा है ना स्पाइसी टाइप से, कुछ चटपटा, तो मुझे ऐसा होता है. तो यू नो चीजें इससे भी काम चल सकती हैं, बट हमें यहाँ तक जाना है. तो उसके बीच का जो सफर तय करेगा वो करेगा कम्फर्ट गुड्स. अगर तुम यहाँ नहीं पहुंच सकते तो एटलीस्ट यहाँ तो आ ही जाओगे. ठीक है, कि नॉर्मल दाल रोटी चावल से काम नहीं चल रहा, तुम्हारा कम्फर्ट है कि चलो यार मार्केट से कुछ मंगा लिया या घर में कुछ अच्छा सा बना लिया जो मतलब मन कर रहा है खाने का, तो दैट इज योर कम्फर्ट. तुम यहाँ तक तो रहना चाहते ही चाहते हो अगर तुम्हें ये नहीं मिल रहा तो. ठीक है, लोग कोशिश करते हैं कि मतलब यू नो BMW, Volkswagen, ठीक है, Mercedes नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी में ऐसा भी ना हो कि अब हम ऑल्टो या मारुति चला रहे हैं. ठीक है, कंफर्ट में आ जाते हैं कि नॉर्मल एक गाड़ी यार कम से कम 5 लाख से ऊपर वाली, 7-8 लाख की तो चलनी मतलब चाहिए हमें, दैट इज अवर कम्फर्ट. इतना अच्छा तो एक गाड़ी होना ही चाहिए. ठीक है,
ये तो हमारे खुद के कंफर्ट गुड्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर मिडिल क्लास वालों के लिए होते हैं, और हमारी सोसाइटी मैक्सिमम मिडिल क्लास वालों की है। ठीक है, तो मिडिल क्लास वाला जो है ना, वो इस पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इस पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इस पे रहने की कोशिश ज्यादा करता है कम्फर्ट्स। ठीक है, तो उसको होता है कि यार ये नहीं, इतना नहीं, इतना कम नहीं जा सकते और इतना हाई भी नहीं जा सकते, तो इतना तो चलेगा। ठीक है, तो वो आता है कंफर्ट गुड्स आपका। यही मैं आपको बता रहा था कि जब आपके डिजायर्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि काम इससे भी चल सकता है, पर नहीं, ये नहीं चाहिए, हमारा हमारा ये सोसाइटी में इमेज क्या रह जाएगा। हाँ, हम ये ब्रांड यूज करेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा अच्छा भी यूज कर रहा है, हम इतना बेकार यूज कर रहे हैं। हाँ, लो मार्केट नहीं चलने वाला भाई। तो भैया मुझे कुछ इतना तो यूज करना है कि मेरी इमेज बनी रहे सोसाइटी में। हम कितने ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, है ना, होते ही होते हैं। देख, मैं तो हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम पर्सन होते ही है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें चलता है, तो फिर हम कंफर्टेबल भी देखते हैं अपना कि भाई हम क्या चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो उतना तो होना चाहिए कि लोगों के माइंड में रहे कि हाँ भाई ठीक ठाक बनता है अपना। ओके, तो दिस इज अवर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि इतने टाइप से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब मेनली क्या है, हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोचेस कितने होते हैं, अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर थ्योरी। अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर थ्योरी, दो तरह की अप्रोच होते हैं बेटा कंज्यूमर थ्योरी को पढ़ने के। किसी को पता है, नाम बताएं अगर पता है तो। पहला जो होता है वो होता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। वेरी गुड, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। पूरे कंज्यूमर थ्योरी में ना हम इन दोनों अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो नोट कर लो आप, काफी नाम से हम इसे जानते हैं, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम MU अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा इसे हम मार्शेलियन एनालिसिस भी बोलते हैं, मार्शेलियन एनालिसिस, मार्शेलियन एनालिसिस, मार्शेलियन एनालिसिस। बेटा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये जो अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने दिया था उसके नाम से तो हम जानेंगे ही जानेंगे उस थ्योरी को, तो इसीलिए हम इसको मार्शेलियन एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है ना वो है आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या अप्रोच, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, और दूसरा नाम इसको किसने दिया था, इसको दिया था हिक्स एंड एलन ने, दो इकोनॉमिस्ट थे, जे आर हिक्स एंड एलन, एच एलन था उनका नाम शायद। ठीक है, तो पूरा को तो हम ऐसे बोलते हैं हिक्सियन एलन, हिक्सियन, ठीक है, एलन एनालिसिस, हिक्स और एलन दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था इस थ्योरी को, तो उनके नाम से भी हम जानते हैं, हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं इस चीजों को। ओके, तो अब हम बात करते हैं जरा, पहले हमने क्या पढ़ा है कि ये अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें एक वर्ड आ रहा है यूटिलिटी, पहले हमें यूटिलिटी समझना चाहिए, यूटिलिटी क्या होती है। कार्डिनल और ऑर्डिनल पे तो हम बाद में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, यूटिलिटी हेडिंग डालें। यूटिलिटी, नॉर्मल भाषा में अगर मैं यूटिलिटी को समझाऊं, जब भी कोई आपसे पूछे कि यूटिलिटी क्या होता है, तो उसको क्लियर कट में आंसर में यही बोलना, एक कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं
उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, कि एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो मेरी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, अगर है तो यस उसमें यूटिलिटी है, अगर उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो मेरी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है ही नहीं, वो डिसयूटिल है। डिसयूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूजलेस, मेरे लिए ही यूजलेस है, मेरे लिए मतलब ये कोई फायदा नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपके लिए फायदेमंद है, या आप जब इसका यूज कर रहे हो तो आप आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, या आप कह सकते हो आप सेटिस्फाइड हो, आपको खुशी मिल रही है उसको यूज करने से। तो यूटिलिटी का मतलब ही होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, इसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी को जब भी डिफाइन करना होगा तो ऐसे ही करना। वॉन्ट सेटिस्फाइंग, इको में भी इसका जो डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स में वॉन्ट यूटिलिटी का, वो यही है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो मेरे नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर दे, अगर है तो दैट मीन्स उसमें यूटिलिटी है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ हमारा। सेकेंड पॉइंट और जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं यूटिलिटी का मतलब, वो आप लिख लो। ठीक है, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब यूटिलिटी को आप किस किस तरीके से मोल्ड करके डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ये कमोडिटी मैंने यूज किया है, इससे मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई है, दैट मीन्स दिस इज यूटिलिटी, दिस गुड हैव यूटिलिटी, इसमें यूटिलिटी है, इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि की है यहाँ पे महसूस हो रहा है तो यूटिलिटी है। आप और कह सकते हो आपको प्लेजर मिल रहा है, आनंद आ रहा है आपको इसको यूज करने से, प्लेजर, खुशी हो रही है, हैप्पीनेस हो है आपको, आप बहुत ही खुश हो इसको यूज करने से, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बेसिकली देखते हैं। तो जब भी आप कभी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कि आप कह रहे हो हाँ भाई हम सेटिस्फाइड हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है इसको यूज करने से, हमें इससे बहुत बेनिफिट मिला है, हमारा टाइम बच गया, हमारा काम आराम से हो रहा है, तो इसका मतलब आपने सही प्रोडक्ट खरीदा है, आपकी प्रोडक्ट में यूटिलिटी है कि इसने आपके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट इज ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया किसने था, कभी कभार शायद पूछ ले, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट नाम मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ किसी अप्रोच का हो तो। ठीक है, तो एक बार हम वो पढ़ेंगे, 1 मिनट बच्चे, हाँ एक कॉल अटेंड कर लो। हेलो हेलो,
यस करते हैं स्टार्ट। ओके, तो हम यूटिलिटी की बात कर रहे थे बेटा। यूटिलिटी में मैंने आपको मतलब बता दिया, किस किस तरीके से आप इसको बुला सकते हो जब आप एक कमोडिटी को यूज करते हो। तो अगर आप ये सारे टर्म्स यूज कर रहे हो, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या है? उस कमोडिटी में यूटिलिटी है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इसकी यूटिलिटी दिया किसने था। तो यूटिलिटी वॉज डिराइव, ये पॉइंट जरूर मेंशन करें, यूटिलिटी वॉज डिराइव बाय, इनका नाम था बेंथम, ठीक है। ये बेंथम इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने 18th सेंचुरी के टाइम पे ही दिया था ये, बेंथम इन 1789, 1789 के आसपास बेंथम इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने यूटिलिटी को डिराइव किया था, ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब क्या है वो हमने देख लिया है। अब हम सीधा आएंगे कि वो जो हमारा अप्रोच था ना, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसको समझेंगे अब, ठीक है। उसको समझेंगे जो हमारा अप्रोच था। तो फिर से हेडिंग डालिए, अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के कितने अप्रोच होते हैं? तो यूटिलिटी के वही दो अप्रोच होते हैं जो हमारे थे। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मीनिंग की बात करते हैं। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं? यूटिलिटी आपने समझ लिया है, दो अप्रोच हैं यूटिलिटी के। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, देखो यूटिलिटी का मतलब था आपको मिलने वाली संतुष्टि, मिलने वाली एक खुशी, ठीक है, प्लेजर, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, यही होता है यूटिलिटी का मतलब। पर आपको पता है ना, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जो मैं ये हैप्पीनेस बोल रहा हूँ, प्लेजर बोल रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये आपके ना क्वालिटेटिव वर्ड है, जिसको क्या कर सकते हैं हम, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पर आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो कि मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है यूटिलिटी की, जब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से संतुष्टि मिली है या खुशी मिल रही है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है मुझे, तो मतलब बोल दिया बस मैंने। अब कितनी खुशी मिल रही है, अब ये क्वांटिटी में बताना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो आप ऐसे बोल दो कि हम कर ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते, हम मेजर ही नहीं कर सकते कि खुशी कितनी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जो आप ये बोल रहे हो ना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। और वो मेजर करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको मेजर करके देता है, लाइक नंबर के टर्म्स में, कि जब आप बोलो अच्छा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है, इतने यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है, 10 यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का, ऐसे करके आप जब बोलते हो, तो होता है ना कि मतलब जब हम बोलते हैं हाँ भाई 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए वाला सेटिस्फेक्शन भी हमें मिला है, ठीक है, इतनी चीजें हम यूज कर रहे हैं, इससे इतना फायदा हमें मिला है, तो दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। तो जब हम बोलेंगे व्हेन यूटिलिटी इज मेजर्ड इन दिस अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है, इन दिस अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टर्म्स में हम यहाँ पे अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात नहीं करो, आप रैंकिंग दोगे, ठीक है। इन दिस अप्रोच कंज्यूमर यूजेस रैंकिंग्स, कंज्यूमर यूजेस रैंकिंग्स,
या आप कह लो प्रेफरेंसेस, वो अपने प्रेफरेंसेस यूज करता है या वो कमोडिटी को रैंक करता है फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी, फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जब एक कंज्यूमर अपने कमोडिटी को जो वो कंज्यूम कर रहा है, अपनी संतुष्टि को रैंकिंग देता है, इस कमोडिटी से मिलने वाली संतुष्टि इतनी, ओके इसमें ज्यादा हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसको रैंक 1 दो, उसके बाद हमने ये कंज्यूम किया, अच्छा इससे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो पहले वाले से कम है, इसको सेकेंड रैंक पे रखो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल क्लियरली मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बर्गर कंज्यूम करने के लिए दिया, ठीक है, ये थ्योरी ही ऐसी है जिसमें आपको बेसिक फूड प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल इतने मिलेंगे ना कि मुंह में पानी ही आता रहेगा बीच बीच में। तो ठीक है, तो सपोज करो यू आर कंज्यूमिंग बर्गर, आपने बर्गर खाया, एक बर्गर खाया, ठीक है, आपने बोला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था, ठीक है, अब मैंने बोला कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगा, कुछ बता सकते हो नंबर्स के टर्म्स में? तो आपने बोला मैंने 40 रुपए पे किए थे इसके बदले, ठीक है, तो हाँ कह सकते हैं पैसा वसूल सेटिस्फेक्शन था, 40 अगर रुपए दिए तो हाँ 40 रुपए का फायदा भी मिला है। तो जब आप ये नंबर्स के टर्म्स में बता रहे हो ना, 40 रुपए या 40 यूनिट्स, दैट मीन्स दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप एक नंबर असाइन कर रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन को। बट अब सपोज करो मैंने आपको बर्गर के साथ साथ पिज्जा भी खाने के लिए दिया, ठीक है, तो आपने एक बर्गर खाया, आपने एक पिज्जा भी खाया, ठीक है, अब दोनों खाने के बाद अब आप, मैं आपसे पूछूं कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप थोड़े कंफ्यूज जाओगे, आप बोलोगे मैंने बर्गर भी खाया, मैंने पिज्जा भी खाया, दोनों का सेटिस्फेक्शन तो अलग अलग होता है, मतलब कैसे बताऊं? हाँ ये हो सकता है कि मैं ये बता दूं कि हाँ बर्गर ज्यादा अच्छा था और पिज्जा उतना टेस्टी नहीं था, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो जब आप ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो ना कि हाँ भाई मुझे ना नॉर्मल यही बात है, जब मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगा कंज्यूम करने के लिए, तो आप हमेशा अपनी रैंकिंग दोगे कि मैंने ये 3 चीजें खाई, मुझे सबसे अच्छा ये लगा, ओके सबसे अच्छा टेस्ट इसका था, उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा, अब मुझे ये थर्ड प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप रैंकिंग दे रहे हो, ठीक है, कि फर्स्ट रैंक पे रखोगे आप, सपोज करो बर्गर अच्छा लगा तो बर्गर को फर्स्ट रैंक दे दिया, पिज्जा आपको ठीक ठाक लगा, ओके था उसका, बर्गर से अच्छा नहीं था तो आपने उसको सेकंड रैंक पे रख दिया। तो जब आप ऐसे रैंकिंग या प्रेफरेंसेस यूज कर रहे हो, अपने प्रेफरेंस दे रहे हो, इससे बढ़िया ये, उससे बेकार था ये, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हम मेजर कर सकते हैं, बट कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, विच इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम अपने प्रेफरेंसेस और रैंकिंग्स देते हैं। तो तरीका तो वो भी है, बेकार तो नहीं है, बट तरीका है एक तरीके से। ठीक है, सब्जेक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है, ओके इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है तो सब्जेक्टिविटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये एक थोड़ा डिफरेंस है। तो ये होता है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा हाउ टू मेजर द यूटिलिटी। जैसे होता है ना चीजों को नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, हाइट को अगर नापना है तो इंचेस में नापा जाता है, ठीक है, मीटर्स में नापा जाता है, ओके, अब तुम्हें लिक्विड को नापना है तो तुम लीटर का यूज करते हो, लीटर मिली लीटर का, ठीक है, कपड़े को नापते हो मीटर सेंटीमीटर में, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि यूटिलिटी, अपने सेटिस्फेक्शन को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो कोई यूनिट तो बता दो जिसमें हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो वही अब आप एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट हाउ टू मेजर द यूटिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग शुड बी हाउ टू मेजर द यूटिलिटी। यूटिलिटी को कैसे मेजर करना है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात में एक लाइन का ध्यान रखना है, ठीक है, वही अगर एमसीक्यू आता है तो आप ऑप्शन टिक कर देना, एक ही यूनिट है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इसका जो यूनिट है ना यूटिलिटी को मेजर करने का,
उसे हम बोलते हैं यूटिल्स, ओके, यूटिल्स बुलाते हैं हम इसे। तो अगर मान लो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 5 नंबर, ठीक है, तो नंबर के साथ आप क्या लगाओगे? 5 यूटिल्स, ठीक है। तो जैसे बोला ना 20 रुपी पे किया इस प्रोडक्ट के लिए, तो हाँ 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन भी मिला है, तो भाई पैसे वसूल है इसका मतलब, ठीक है। तो हम यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में मेजर करें। दूसरा पॉइंट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि इसका सही आंसर ये है या ये है। अगर ये है तो बाकी सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या होगा, आंसर्स वेराई करते हैं, ओपिनियंस डालते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसने ऐसा लिखा है, कुछ बातें इसकी सही है, कुछ बातें दूसरे पर्सन की भी सही है, कुछ बातें तीसरे पर्सन की भी सही है। तो जो मार्किंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी कि कौन जो है इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, जो सारी बातें लिख देता है, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है ना वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वो इसलिए बेटा क्योंकि एक पर्सन की यूटिलिटी ना दूसरे पर्सन की यूटिलिटी से वेराई करती है। मेरे लिए जो संतुष्टि है एक कमोडिटी से मिलने वाली, वो शायद आप लोगों के लिए डिफरेंट हो, क्योंकि आपकी जरूरतें कुछ और है, ठीक है। अब देखो, मुझे बर्गर खाने का मन हुआ, तुम लोग मेरे साथ थे, साथ मैं तुम्हें ले गया, तुम सबको मैंने बर्गर खिलाने का, पर तुम्हारा मन था कुछ और खाने का, ठीक है, कुछ और कंज्यूम करने का मन था। अब मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी खिला रहा हूँ तो तुम्हें खाना पड़ रहा है, तो लेकिन तुम सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे ना, वो बर्गर तुमको तो यूटिलिटी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं था वो खाने का, तुम चाहते ही नहीं थे वो खाना, तुम तो कुछ और खाना चाहते थे। तो इसीलिए यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नीड्स, इट्स डिपेंड्स अपॉन दी नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन की जो इच्छाएं हैं या उसकी जरूरतें हैं, वो जरूरी नहीं दूसरे पर्सन की भी सेम हो, ठीक है। ऐसा होता तो सब एक ही तरीके की प्रोडक्ट यूज कर रहे होते, बट ऐसा नहीं होता, तभी सबके कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग, क्योंकि मेरे लिए जो यूटिलिटी है वो आपके लिए वो नहीं होगी, तभी हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको लगता है हम ये यूज करते तो हमारे लिए ये बेटर है, मैं सोचता हूँ मैं ये यूज करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए ये बेटर है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन दी नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना बेटा, जब कभी भी आप जैसे पूछते हैं ना कि तुमने इस प्रोडक्ट के लिए कितने रुपीस दिए हैं, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तुम्हारा कितना है, तो इसको नापने का और एक्यूरेट तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आपका 1 यूटिल्स ना हमेशा 1 रुपी के बराबर होगा, ये जस्ट एक अजम्पशन है। 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपी, इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब ही यही होता है, 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपी। इसका मतलब ये है, देखो जितना भी तुम प्राइस पे करो, ठीक है, एक एक रुपए का हिसाब होगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि हमने इसके लिए 20 रुपए दिया, पर इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 5 रुपए का भी नहीं था। हाँ, ये प्रोडक्ट तो 5 रुपए, 5 रुपए का भी नहीं बिकना चाहिए, इतना बेकार है ये। तो आप एक एक रुपए का हिसाब दे रहे हो कि भाई तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें 1 रुपए का भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम यूटिलिटी को यूटिल्स में नापेंगे ना, तो हम मानेंगे कि 1 रुपए के बराबर होगा 1 यूटिल्स, ठीक है। तो अगर 20 रुपए हो गए तो तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जिससे बोलोगे तुम हमें मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए हैं, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वही बात हो गई, जितने पैसे दिए उतने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए,
तब जाके हम बोलेंगे हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसीलिए एक अजम्पशन लेते हैं, वैसे होता नहीं है रियल लाइफ में, पूरा पैसा वसूल वाला सेटिस्फैक्शन तो मुश्किल है, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा भी हो जाता है, ओके, एक्यूरेट तो नहीं है पॉसिबल, बट फिर भी एक अजम्पशन है कि 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। ओके, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द यूटिलिटी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अगर आपने ईगो पढ़ा होगा तो। यस, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आपको ये तो समझ में आ गया कि संतुष्टि होती क्या है और उसको मेजर कैसे करते हैं। अब जरा ये भी देख लो कि कितने तरीके से हो सकता है यूटिलिटी आपको। तो पहला कहलाता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और दूसरा होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है बेटा। ये ना इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। आपको मीनिंग दे देगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये टोटल यूटिलिटी है या मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। या फिर आपको पता है इसमें ना फॉर्मूले भी होते हैं, तो आपको वही ध्यान करना पड़ेगा। शेड्यूल वगैरह आपको शायद ही दे, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, कोई अब आप वो 11th 12th में नहीं हो, तो 11th 12th में जब हम लोग होते थे तब तो हम लोग शेड्यूल और डायग्राम भी बनाते थे, है ना। TU से MU कैलकुलेट करते थे, MU से TU कैलकुलेट करते थे, तो वो सब भी होता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग या फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। मीनिंग लिखो इसमें, इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन, इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड, इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। ओके, और इसमें आप लोग लिख लेना बेटा, इट रेफर्स टू दी एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड या ऑब्टेन्ड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन, डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए गिवन कमोडिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले जरा तुम लोग ना अपना फेवरेट फूड मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है, विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें जबरदस्ती थोप रहा हूँ, एक हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं और मैं जानता हूँ कि ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और मैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तुम भी बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कभी कभी वो भी एग्जाम्पल्स ले लेंगे और उससे भी समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तुम बताओ तुम्हारा फूड में, फास्ट फूड में या जंक फूड में क्या सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, वो मेरे भी फेवरेट है। अरे वाह, अभी पानी आ जाएगा मुंह से बहुत ज्यादा। मैंने तो यहाँ पे बोल दिया ना कि ये मेंशन करो। सीरियसली यार, यहाँ पे इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ना सामने,
लगा कि मेरे सामने ये ना कॉपी पेन नहीं है, ये पोडियम नहीं है, मेरे सामने एक प्लेट लग गई है। हाँ, एक थाली सच के तैयार हो गई है पूरी। वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, सब बताएंगे। अमन बोल रहा है बिरयानी है, हाँ, और ध्रुव कह रहा था शायद मोमो है। ठीक है, हाँ, पिज्जा बर्गर सबको अच्छा लगता है। मैं क्या अच्छा लगता है आपको? पिज्जा सबको अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है। सही बात है भाई, बिरयानी के साथ चिकन तो है ही, बटर चिकन। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो यू नो तंदूरी वाला, वो बहुत टेस्टी लगता है। ऑल जंक फूड सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, पिज्जा मेरे, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जब भी मैं जाऊंगा ना, देखो अगर मैं मैकडी में गया ठीक है, तो फिर मैं का आलू टिक्की पक्का है, उसका कोई तोड़ नहीं है ठीक है। अगर मैं पिज्जा हट में गया या डोमिनोज में गया, मुझे पिज्जा वीजा नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा उतना चाहिए। मुझे टैको बहुत अच्छा लगता है, टैको मैक्सिकन जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। और जो मेरा फेवरेट है ना, सबसे ज्यादा फेवरेट वो तो चाइनीज है ठीक है, तो हल्दीराम के चाउमीन हो गए ठीक है। हाँ, मोमो भी बहुत अच्छा लगता है। एक बर्गर, चाउमीन और अपना टैको और ये मोमोज, ये मेरा फ्रीक्वेंटली वाला है कि अगर मैं इंटरवल्स पे खाता रहूँ तो मैं ये सब रहता है। क्लब वगैरह में जाते हैं तो लॉन्ज में, रेस्टोरेंट्स इन सब में तो पास्ता भी चलता है विद गार्लिक ब्रेड। सही बात है, पास्ता भी। पास्ता में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो अल्फ्रेडो पास्ता, वाइट चीज वाला, वाइट सॉस वाला। बिल्कुल, बहुत बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, अभी मतलब हमने बहुत ज्यादा खाने की बात कर ली है, तो खुद इतना ज्यादा वो हो रहा है कि नो इतने सारे ऑप्शंस हम बार बार बोल रहे हैं, एंड यू नो हमारे पास है सामने एक भी नहीं, बस नजर देख के ही काम चला लो कि हाँ भाई ये पसंद है ना। तो मैंने इसीलिए आपको बोला है, हाँ, फूड की बातें हम करते हैं। संडे भी आज, संडे का तो भी रहता था कि यू नो जाएंगे बाहर खा के आएंगे। क्या करें बेटा, अभी मेरा खुद का भी ऐसा शेड्यूल हिला हुआ है ना एकदम से, कि मुझे भी वीकेंड पे टाइम नहीं मिल रहा है। बट होपफुली बस एक हफ्ते की बात और है नेक्स्ट वीक की, उसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा ना, कमिंग मंडे, कल के बाद जो मंडे, उसमें मेरा भी शेड्यूल हो जाएगा, उसमें आपको वीकेंड्स पे छुट्टी मिलेगी, संडे को वीकडेज पे क्लास रखेंगे, और मैं भी वीकेंड्स पे घूमने जा पाऊंगा फाइनली। मुझे भी मतलब आउटिंग का बहुत शौक है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। दिल्ली में कैफेज हो गए, गाजियाबाद में भी एक दो मैंने देखा है, कम है यहाँ पे, दिल्ली में जाना पड़ता है, और मेरा जो एरिया है ना वो दिल्ली से ज्यादा पास पड़ता है। ओके, आप लोग ने तो जर्नी अभी स्टार्ट ही करी, और आप लोग तो प्रोफेशनल कोर्सेज में घुस चुके हो, तो ज्यादातर टाइम निकालना हो ना तो संडे का ही टाइम निकालना, और बाकी 6 डेज अच्छे से पढ़ना। तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा बेटा, मैंने देखा है सीएससीएस वाले ऐसे थोड़ा बन जाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है उनको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको करना पड़ेगा मेहनत। तो वही है, वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी, उसमें एंजॉय करेंगे। मैं आपको वही बता रहा था कि मतलब ना खूब सारे ऑप्शन संडे में मिल जाते हैं कि आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। ठीक है, तो वही है कि वो थोड़ी फ्रीडम ना 1-1.5 महीने से मेरी भी खत्म है, बट होपफुली अब आएगा वो टाइम। तो ठीक है बेटा, हाँ, हमें यहाँ पे मिल चुके हैं ऑप्शंस बहुत सारे, चलो वही एक्सप्लेन करना है, तो शुरुआत करते हैं मोमोज से। क्या करें बेटा, कुछ ऑप्शन नहीं है, फूड प्रोडक्ट्स लेके ही, अब तुम कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम में तो फूड प्रोडक्ट्स ही करोगे ना, तो उसको लेके ही समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो टोटल यूटिलिटी, और वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट को, और एक ऑफलाइन बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं, और एक बार शुरू हो गया ऑफलाइन तो ऑफलाइन भी होगा, शुरू होने की देरी है बस, फिर तो जो जिसका सर सब्जेक्ट कब है वो। होगा? हाँ जी, अच्छा कब होगा बस देखते हैं, वो सर से वो बोलना पड़ेगा, हम भी बोल रहे हैं बट वो तो सर के ऊपर है, देखते हैं, हमें तो पढ़ाना है चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन भी ऐसे ही पढ़ाना है, ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाना है। ठीक है, तो वो जब से स्टार्ट हो जाए, ये बात है। ऑफलाइन के बहाने बाहर घूमने का भी मौका मिलता था ना, एक वो था, जी क्योंकि सर, मैं, हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता ना, ये फ्रीडम बच्चों से छिन गया है, ये 2 साल में जो लोगों ने जैसे कॉलेज में एंटर किया,
या लोगों को बाहर जाने की हैबिट पड़ी, तो लोगों ने ये भी सोचा था मन में कि यार चलो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल लाइफ खत्म हुई, कुछ करेंगे, ठीक है कुछ नया जर्नी स्टार्ट होगा, अच्छा होगा वो तो है ही है, साथ में कुछ और भी एक्सप्लोर करा करेंगे ऐसे बाहर निकलेंगे तो ये फ्रीडम बच्चों की छिन गई है। दैट वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है वो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, सही बात है, वो फ्रीडम छिन गई है कि कोचिंग जाते थे डेली या कॉलेज ही जाना हुआ तो चलो इसी बहाने थोड़ा सा कहीं घूमाए खा पी लिया यहाँ पे बैठ गए, है ना, तो वो चीज लोगों का छूट गया है कहीं ना कहीं। घर बैठे बहुत ज्यादा बोर्डम हो गया है, बहुत ज्यादा बोर्डम हो गया लोगों के अंदर, है ना, वो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं खुद एक स्टूडेंट ही था, ठीक है तो वो चीज मैंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा हो गया था। खैर हमें तो 6-7 महीने की बात थी, ठीक है तो बस वो बात थी, उसके बाद तो बस टीचिंग का स्टार्ट हो गया तो इस वजह से थोड़ा बहुत निकलना पड़ा या ऑनलाइन पढ़ा लेते थे, बट आप लोग तो घर पे बैठ के पूरा सेटल हो पड़ रहे हो। हाँ सब मोह माया है, सही बात है, मोह माया त्याग दिया जाए तो फिर तो कोई दुखी नहीं है जीवन में, है ना, किसी चीज की इच्छाएं ही नहीं है, डिजायरनेस ही नहीं है, नीड्स ही नहीं है, इंसान हमेशा संतुष्ट ही रहे, जो मिल रहा है जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे, बट क्या करें मोह माया छूटती नहीं है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतना आसान भी नहीं है, ऑप्शन ही इतने सारे हैं हम लोगों के पास, हमारा माइंड ही ऐसा है, हम लोग इस एज में ही ऐसे हैं जब यू नो अट्रैक्ट करती हैं चीजें, ओके चीजें बहुत इजीली अट्रैक्ट करती हैं, खासकर खुद से रिलेटेड हो तो बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वही है कि यही एज है लाइफ को एंजॉय करने का, करना चाहिए बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मोह माया रखो, ठीक है तो जो चीजों का ट्रुथ है उसका है, जो चीजें नहीं है उस पर हम लोग अपना वो कर रहे हैं, ठीक है बस सच्चाई क्या है वो ध्यान रखना चाहिए माइंड में, ठीक है कि लाइफ को जब जाना है तो ऐसे ही एंजॉय करते करते ही जाना है, ठीक है, तो एकदम से हम क्यों चीजों से डिस्ट्रैक्शन अभी से क्यों ले लें, अट्रैक्ट नहीं डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, फिर तो माइंड सेल्फ कंट्रोल की बात है कि ये यू नो आपको वो चीज किस लेवल तक अट्रैक्ट कर रही है, मेन बात ये हो जाता है, खुद पे आपका यू नो कंट्रोल रहना चाहिए, ये मेन बात होती है, इससे क्या होता है ना हम डिसीजंस ले पाते हैं, नहीं तो हम डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते, हम सिर्फ उसी के पीछे भागते कि ये चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है तो जब आपको लाइफ में डिसीजंस लेना सीखना होना तो इवैल्यूएशन आना चाहिए, वहां पे डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करता है, ठीक है तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ आप सीधा कॉन्सेप्ट पे, डिस्कशन हो गया, हमें मिल गए फूड आइटम्स, हम उसको बेस लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है तो चलो एक प्रोडक्ट सपोज करो हमने मोमोज उठाया, ठीक है हम मोमोज का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अब हमें मोमोज का कंजम्पशन करते हुए ये समझना है कि टोटल यूटिलिटी कब है, मार्जिनल यूटिलिटी कब है, ठीक है तो सपोज करो मोमोज के 10 पीस है आपके पास, ठीक है आपने 10 पीस को कंज्यूम कर लिया, फर्स्ट पीस खाया, सेकंड पीस खाया, थर्ड पीस खाया, ऐसे करते करते आपने 10 पीस खा लिए मोमोज के, ठीक है फाइनली जब वो 10वां पीस गया पेट के अंदर खाने के बाद, ठीक है उसके बाद जब आप बता रहे हो भाई टोटल सुन लो आप, ठीक है 10 मोमोज खाने के बाद मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ भाई पेट भर के खाया, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पैसे अगर इस पे चलो 10 10 मोमोज लाइक एक प्लेट तो हो ही जाता है तो 30-40 के आसपास की इतना प्राइस है, फुल पैसा वसूल है, ठीक है तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दी टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, तो एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं जब आपने उन सबको कंज्यूम कर लिया और उन सबको कंज्यूम करने के बाद आप अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे हो, ठीक है तो वो आपका होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है इसका ऑपोजिट है मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप टोटल में ना बोल के जब आप एक एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपने एक मोमोज खाया आपने बोला बहुत अच्छा था, ठीक है एकदम बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला है और कंज्यूम करना चाहिए हमें, ठीक है तो आपने 2 सेकेंड पीस खाया, ऐसे करके आपने 3 पीस खाए, पर आपको तो पता ही है पहला मोमोज खाने से जो सेटिस्फेक्शन होगा और दूसरे का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम नहीं होगा, पहला वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सबसे हाई होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो, सपोज आपको बहुत भूख लगी थी, आपके सामने मैंने वो मोमोज रख दिए, आपने एक मोमोज उठा लिया, आपने खाया, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो
पहली बारी में हाई सेटिस्फेक्शन मिला ना, क्योंकि एकदम भूख एकदम पीक पे था, ठीक है, ऊपर से इतना अच्छा टेस्ट है, तो आपने बोला भाई बहुत मजा आया, ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है, और खाना चाहिए। तो बेटा और खाओगे तो तुम सेटिस्फाइड तो होंगे, पेट तो भरेगा, पर जो पहला वाला जो पीस था ना उसका सेटिस्फेक्शन सबसे हाई था, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम खाया था, उससे पहले वो टेस्ट तुम्हारे टंग पे था ही नहीं, ठीक है। अब तो तुमने पहला यूनिट खा लिया है मोमोज का, फर्स्ट पीस खा लिया है, तो तुम टेस्ट पहचान चुके, ठीक है, कोई नई बात नहीं होगी दूसरा पीस खाना, ठीक है। तो दूसरा पीस तीसरा पीस जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगा वो थोड़ा कम होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, इट रेफर्स टू दी एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जब आपने एक यूनिट कंज्यूम कर लिया और आप दूसरे यूनिट पे बढ़े, तब आपने कंपेयर किया कि फर्स्ट यूनिट को खाने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन था, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो एडिशन हुआ है ना, या जो चेंजेस हुए हैं, वो चेंज हुआ कितना है वो बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मोमोज खाए, एक दो तीन, तीन पीस आपने खा लिए, ठीक है, पीसेस, तो टोटल कितने खाए आपने, लाइक तीन पीसेस आपने खाए, ठीक है, ये हाईएस्ट था, वन 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 ऐसे करके एक, ठीक है, ये आपका टोटल तीन पीस खाने के बाद जब आप अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे हो, तो वो है आपका टोटल यूटिलिटी। वही मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, तो सपोज करो आपने पहला एक पीस खाया, ठीक है, फिर आपने दूसरा पीस खाया, अब एक पीस पे जो सेटिस्फेक्शन था वो सपोज कर लो 10 यूनिट्स का था, ठीक है, आपने बोला फर्स्ट पीस पे अच्छा हाँ 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, कि एक मोमोज का ठीक है इतना संतुष्टि मुझे मिल गया, ठीक है, दो पीस दूसरा पीस खाया तो आपने बोला कि ये 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ना कमोडिटी को, सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट पहचान चुके हैं, एक बार पेट में जा चुका है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा, उसकी लालसा कम होगी, उसकी इच्छा कम होगी, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन कम होता है, बट चेंज कितना हुआ वो देखना है। जब आप 1 से 2 यूनिट पे बढ़े तो आपने 2 यूनिट कम कर दिए, -2 यूनिट्स, तो दिस -2 यूनिट्स इज वॉट मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। एंड सपोज करो तीन पीस खाने के बाद यहाँ पे आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, तो ये 10 यूनिट जो है वो टोटल यूटिलिटी था। आप टोटल करके आप बता रहे हो कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन हुआ है, पर जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे बढ़े उसमें आपने चेंज कितना किया है, कितने यूनिट से आपका सेटिस्फेक्शन चेंज हो गया है, वो चेंज हमें बताओ, ठीक है, तो वो 2 यूनिट्स का चेंज था, तो वो 2 यूनिट्स जो है ना वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसका मतलब यही है कि जब हम एक यूनिट खाते हैं और एक एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं, तो उस एडिशनल यूनिट से जो पुराना जो यूनिट है उसके बीच का जो सेटिस्फेक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है, वो मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करता है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी, फॉर्मूला लिख के, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डीएमयू समझेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। और आपका शेड्यूल थोड़ा थोड़ा बड़े पेज में होगा, तो उसके नीचे ही फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, लाइक टोटल यूटिलिटी का दिस साइड और मार्जिनल यूटिलिटी का दिस साइड, ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा टेबल नहीं बना रहा। तो टीयू जो है ना, अगर मैं यूनिट्स, आपको मैक्सिमम केस में टीयू गिवन होता है, तो टीयू ऐसे निकलता है, यूनिट 1 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन प्लस यूनिट 2 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन प्लस यूनिट 3 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एंड सो ऑन, जितना भी आपने खाया लास्ट करेंगे यूनिट n पे। एन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कितना खा रहा हूँ, ठीक है, तो जितना भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो लास्ट में आप उतना n की वैल्यू डाल देना, तो लास्ट में प्लस यू एन यूटिलिटी फ्रॉम एन नंबर ऑफ कमोडिटी जो आपकी लास्ट होगी, ठीक है, तो सबको प्लस कर दो, ये आपका टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो। और एक तरीके से और निकलता है, और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो ना तो आपका टीयू बन जाए। तो एमयू का डेफिनेशन क्या होगा, तो पहला तो यही है, अगर एमयू को ऐड करने से टीयू आता है तो टीयू को लेस करने से एमयू आएगा, तो पहला फॉर्मूला इसका यही बनता है, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन,
बेटा यहाँ पे जो एन है ना वो है जो आप नया नाउ करेंटली आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, और एन माइनस वन आपने पिछला यूनिट कितना खाया। ठीक है, तो जैसे सपोज करो एग्जांपल मैंने आपसे लिया था ना यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे बेसिकली 10 यूनिट्स और 8 यूनिट्स का किया, ठीक है, कंजम्पशन। तो इसका बेसिकली क्या होगा, कैसे निकाला था हमने, -2 नया वाला 8 -10 करके। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, पहला टोटल यूटिलिटी 8 है और जो पुराना है वो 10 है, दोनों को माइनस कर दो, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला TUn-TUn-1। और दूसरा तरीका अगर आप लोग को याद हो, आप लोग ऐसे भी निकालते थे, डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा टी यू का मतलब वही हो गया TUn-TUn-1, और डेल्टा क्यू मतलब QN-QN-1। ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है उसको माइनस कर देंगे, वो बेस जाएगा, और टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, मैंने एक शेड्यूल आपको बता ही देता हूँ, एक बार रुको, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेनली क्या होता है, देखो जैसे इसमें यूनिट्स आपको गिवन होंगे और टी यू एन यू में से कोई एक चीज तो आपको गिवन होगी, तभी तो दूसरा निकालोगे, सिर्फ यूनिट से तो आप निकाल नहीं लोगे। तो सपोज करो यूनिट्स और टी यू गिवन है, यूनिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 TUNU। यहाँ पे आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझाना है बेटा, जब आप कुछ भी यूनिट्स कंज्यूम नहीं करोगे तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज में आता है। व्हेन देयर विल बी नो कंजम्पशन व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी, जब आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वेरी गुड महक, 0 होगी। जब कुछ कंजम्पशन ही नहीं किया है तो सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 यूनिट का मतलब क्या है कि आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है, एक भी यूनिट आपने कंज्यूम नहीं किया, तो नॉर्मल सी बात है आपका टी यू भी 0 ही होगा। ठीक है, और टी यू 0 है तो ये भी आपका 0 ही स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, अब सपोज करो आपने फर्स्ट यूनिट खाया, फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 20 यूटिल्स का है। ठीक है, अब ये वैल्यूज कुछ ऐसे रखेंगे कि ये गिरना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो ये वैल्यूज है 36, 44, 50, 50, एक और बढ़ा लो, 6 यूनिट्स कर लो इसको। ठीक है, यस। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय दी फॉर्मूला TUn-TUn-1। आप इस TU पे हो, आप इसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, 20 -0 is 20, 36 -20 is 16, ओके, नेक्स्ट क्या है, 44, इसके पुराना वाला क्या है 36, 44 -36 is 8, राइट, 50 -44 is 6, ओके, 50 -50 is 0, लास्ट में जो यहाँ पे है ना वो 45 यूनिट्स। अगर ये एक बार 0 हो गया ना तो इसके बाद आपको यूटिलिटी कम ही करनी पड़ेगी, इसका रेफरेंस हम लॉ ऑफ डीएमयू में समझेंगे। ठीक है, शेड्यूल अभी बना लो, समझाऊंगा मैं एक कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, 45 -50 क्या होगा फिगर, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव में, क्योंकि जो नया वाला है वो कम है, 45 -50 is -5, सो दिस विल बी द फिगर ऑफ टी यू एंड एन। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो सेम ही तो है, डेल्टा टी यू कितना है इस पॉइंट पे, 20 -0, 20 -0 डेल्टा टी यू इस पॉइंट पे, 1 यूनिट पे, ठीक है, यूनिट 1 पे, और बेस क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बेटा यूनिट्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जस्ट रिमेम्बर। ठीक है, तो आप 1 यूनिट पे हो, अब पुराना कितना है, 0, तो 1 -0, 20 -0 is 20 डिवाइड बाय 1 = 20। ठीक है, सब में 1 1 का ही डिफरेंस है, तो सब में बेस 1 1 ही रहेगा, इसीलिए फिगर्स यही आएंगी अल्टीमेटली, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ना इसको ही माइनस कर दिया। फॉल इन एमयू, वेरी गुड, एमयू हमेशा गिरता है क्योंकि एमयू ही है आपका एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, ये नहीं करता सेटिस्फेक्शन मेजर, ये करता है सेटिस्फेक्शन मेजर, एक्चुअल ये होता है जब एक एक यूनिट का हिसाब बता रहा है वो, ये एक्यूरेट होता है।
तो सेटिस्फैक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जो भी ऑब्जर्वेशन है ना कि इसके फिगर्स बढ़ रहे हैं, कभी कांस्टेंट है कभी कम हो गए, ये कभी गिर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, इसका रेफरेंस मैं आपको समझाऊंगा विद द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डीएमई इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नहीं महक, टोटल यूटिलिटी हमेशा तो नहीं बढ़ता, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा बट एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट भी होता है और फिर बाद में ना गिरने भी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो गिर भी रहा है टीम, ठीक है। वो कब गिरता है? जब एक बार हमारा सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाए, ठीक है, तब उसके बाद गिरने ही लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और यही मैं आपको समझाऊंगा बट विद द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डीएमई। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में उसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे और कार्डिनल यूटिलिटी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। छोटा सा ही है, ऑर्डिनल स्टार्ट हो गया तो वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो बेटा अब मिलते हैं ट्यूसडे को, टाइमिंग 10:30 ही रहेगी, ठीक है। और बाकी आप लोग ये रिविजन करो और कोई भी डाउट हो तो फिर पूछना क्लास में आपको, ठीक है। और बाकी हम ट्यूसडे मिलते हैं। सर, हाँ जी बताइए। सर 550 पे है क्लास लॉ की? आज हाँ सर, मैसेज हाँ, था। शाम शाम को बताया है 5:30 बजे, ठीक है। यस, कल का इको का ऑप्शन, ठीक है। अभी सर कह रहे हैं कि 5 मिनट में आपका बैकअप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिसकी क्लास आपको ले लेना, ठीक है, अटेंड कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, टेक केयर। हाँ, और खाते भी करो जब तक अच्छे से और लेके आए जो कॉन्सेप्ट। चलो ओके, बाय।